स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम मोती रत्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोती रत्न के फायदे कौन कौन से होते हैं, कौन कब और कैसे मोती को धारण करें, विधि क्या होती है मोती रत्न को पहनने की, किस धातु में पहने, किस उंगली में पहने, किस हाथ में पहने, कौन सी लगन वाले मोती को धारण कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है जिसमें आप मोती को पहने, अदरवाइज नकारात्मक फल भी आपको मिल सकते हैं, कितने दिन बाद मोती अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, पहचान क्या होती है मोती की, किस लगन के अंदर आप मोती को धारण करें और मोती के साथ साथ कौन से रत्न आप और पहन सकते हैं या कौन से रत्न नहीं पहन सकते, और पहचान क्या होती है, कितने रत्ती का आप पहन सकते हैं, तमाम इन्हीं सब चीजों के आज बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो मोती रत्न होता है वो चंद्रमा का रत्न होता है। जो चंद्रमा होते हैं वो मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं और मानसिक चीजों के कारक होते हैं। तो कुंडली के अंदर अगर आपने मोती धारण कर दिया तो जो आपका मन अगर चंचल है, मन आप में दिक्कत आ रही है, मन के अंदर डिप्रेशन है, मन के अंदर नेगेटिव अप्रोच है, मन के अंदर मेंटली आपको दिक्कत है, तो मोती धारण करोगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर माता के साथ अनबन है या माता का सुख नहीं मिल रहा तो भी आप मोती रत्न करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेट और हृदय के भी कारक होते हैं चंद्रमा। तो अगर आपको पेट और हृदय से रिलेटेड कोई चीज आ रही है या नींद ना आना तो आप मोती को धारण करिए, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लूज है तो कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए आप मोती रत्न को धारण करिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। नेगेटिव अप्रोच है, डिप्रेशन है तो आप मोती धारण करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अगर गुस्सा आता है तो मोती रत्न को धारण करिए, आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। अब कौन और कैसे पहन सकते हैं, तो सबसे पहले आप कंडीशन देख लीजिए। देखिए, ये पहले लिखा है तो ये मेष लगन है, तो अगर आपकी मेष लगन है तो आप पहन सकते हैं, वृश्चिक लगन है तो पहन सकते हैं, सिंह लगन में आप नहीं पहन सकते, किसी किसी कंडीशन में आप ज्योतिषकार से ही पूछ के पहनेंगे, कर्क लगन में पहन सकते हैं और मीन लगन में पहन सकते हैं, सिर्फ आप इन चार लगन में पहन सकते हैं और किसी लगन में आप मोती ना पहने, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, एक कंडीशन। दूसरा, अगर मोती अगर सॉरी चंद्रमा चंद्रदेव अगर 6, 8, 12 मतलब कुंडली के इस भाव में बैठे हैं तो आप कभी मोती को धारण नहीं करिएगा। अगर कुंडली के अंदर सूर्य से अस्त है चंद्रमा और वो कुंडली के अंदर कारक है, मतलब ये जो लग्न है यही लग्न है और इसमें चंद्रमा अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हैं, मतलब 6, 8, 12 में नहीं बैठे, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं तो और भी अच्छा, पर वो सूर्य से अस्त है, तब आप मोती को जरूर धारण करिए। अगर वो कुंडली के अंदर यही लगन है और वो अच्छी जगह प्लेसमेंट है उनका, 6, 8, 12 में नहीं है पर वो उनकी डिग्री कम है, जैसे 0 से 4 यानी बाल अवस्था में है या फिर 24 से 30 वृद्ध अवस्था है या मर्त अवस्था में है, तो भी आप जरूर मोती को पहनिए। उससे क्या होगा, चंद्रदेव आपके एक्टिव हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कौन पहने मैंने बता दिया आपको, किस लगन में पहने, अब कैसे पहने और क्या विधि होती है। तो देखिए, शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के पश्चात आप मोती धारण कर सकते हैं। विधि ये होगी कि रात में आप गंगा जल में इसको रखिए रात को, और जब आप पहने उससे थोड़ी देर पहले दूध को भी डाल लीजिए और उसको फिर धोके सूर्य शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के पश्चात सोमवार के दिन आप मोती को धारण कर सकते हैं। 108 बार चंद्रदेव का बीज मंत्र पढ़ेंगे, ओम सोम सोमाय नमः, उसके बाद आप इसको धारण कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो चंद्रमा है वो सबसे जल्दी उनका जो जो काल है वो सबसे जल्दी है, वो सबसे जल्दी चलने वाले ग्रह हैं। तो किस धातु में पहने, सिर्फ और सिर्फ आप चांदी में धारण करिएगा मोती को। किस उंगली में पहने, तो आप लिटिल फिंगर में ही इसको पहने, सीधे हाथ की अगर मेल है तो, और अगर आज आप फीमेल हैं तो उल्टे हाथ की लिटिल फिंगर में पहने। कौन सी लगन को पहने, तो मैंने बता दिया मेष, वृश्चिक, कर्क और मीन, सिर्फ इसी लगन के अंदर आप इनको धारण करिए। कंडीशन मैंने आपको बता दी, कारक होने चाहिए, मारक नहीं होने चाहिए, कारक का मतलब ये लगन हो 6, 8, 12 महीना बैठे हों, ये उनकी कंडीशन होती है। नीच राशि में भी ना हो,
अगर मोती धारण कर रहे हैं तो आप आठवीं जो राशि होती है, एट राशि, वृश्चिक राशि के अंदर ये नीच के हो जाते हैं, तो आप नहीं पहनेंगे। तो ये कंडीशन होती है इनकी। अब आप मोती के साथ रूबी, पुखराज और मूंगा को भी पहन सकते हैं आप ये। और कौन से आप रत्न धारण करें तो नीलम, ओपल, हीरा, लहसुनिया, गोमित और पन्ना, ये रत्न इनके साथ कभी भी धारण मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत बेकार रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इनकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप पता करना चाहते हैं कि कैसे आप पता करें कि जो जो मोती है वो असली या नकली, तो पानी में डाल दीजिएगा। अगर पानी में डालने के बाद उसमें से सिर्फ एक किरण ही दिख रही है तो आप समझ लीजिए ये जो मोती है वो ओरिजिनल है, अदरवाइज उसकी जो किरणें हैं वो फट रही हैं और बहुत सारी आ रही हैं, तो आप संदेह कर सकते हैं कि उसमें ओरिजिनल भी कम होगी। तो आप ऐसे मोती रत्न को पता कर सकते हैं। कितने रत्ती का पहने, तो जैसे अगर आपका 60 किलो वेट है तो उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 रत्ती हुआ, उसमें 1.25 रत्ती और जोड़ लीजिए। अपने जितना भी आपका वेट हो, जैसे 60 है तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा 10 से, तो 6 हुआ, उसमें 1.25 रत्ती और जोड़ लीजिए। तो अगर सपोज करो आपका 60 किलो वेट है तो आप 1.75 रत्ती का धारण कर सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आज मैं, और एक चीज और, अगर जो सोमवार है वो 6, 4, 9 और 12 तारीख को आ रहा है तो भी आप मोती नहीं धारण करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया मोती रत्न के बारे में। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।